हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द एफिलिएट गाइड। लेट्स स्टार्ट द अर्निंग। आज हम इंस्टाग्राम रील्स बोनस के पेमेंट प्रूफ के बारे में बात करेंगे। ये रियली इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, अगर नहीं है तो रील्स प्ले बोनस के लिए कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहली बात तो ये गाइज, रील्स प्ले बोनस इंडिया में अवेलेबल हो गया है, क्योंकि ये अभी सिर्फ इनवाइट ओनली है, तो सिर्फ कुछ कुछ लोगों को इसके इनवाइट आ गए हैं अभी। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सतीश के वीडियो है, इनको रील्स बोनस का इनविटेशन आ गया है और इन्होंने इस पे अर्निंग भी स्टार्ट की है। और ये उनका पेमेंट प्रूफ है, जहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक रील डाल के, सिर्फ एक रील डाल के गाइस $30 की अर्निंग की है सिर्फ एक रील से। तो देख लो आप कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। अब आप सोच रहे होगे कि ये $1,000 क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, रील्स बोनस में एक आपको टारगेट मिलता है, उसको आपको हिट करना पड़ता है। तो अभी इनको $1,000 का टारगेट मिला है, इसका मतलब यही है कि अब वो इस मंथ में $1,000 तक की अर्निंग कर पाएंगे रील्स बोनस से। ये एक और पेमेंट प्रूफ है, जहाँ पे उनको $5,000 का टारगेट मिला है। $5,000 गाइस, $5,000 मतलब लगभग 4 लाख से ज़्यादा। अब ये पर्टिकुलर क्रिएटर 4 लाख से ज़्यादा अर्न कर सकते एक मंथ में। ओके गाइज, मेरे पास और एक पेमेंट प्रूफ है। ये पेमेंट प्रूफ मेरे दोस्त का है, उसको भी रील्स प्ले बोनस इनवाइट आ चुका है और उसने रील्स बोनस से अर्निंग भी की है अभी तक $38 के। उसको सिर्फ $300 का टारगेट मिला है इस मंथ के लिए। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार जब मैं रील्स बोनस से अर्निंग करना चालू कर दूं तो किस पेमेंट मेथड से मुझे अर्निंग अपने बैंक अकाउंट में लेनी होगी, राइट? तो जब आप रील्स बोनस के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, तब आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन तो आप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हो, या फिर दूसरा अकाउंट आप आपका पेपाल अकाउंट इससे कनेक्ट कर सकते हो। ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे रील्स बोनस को आपके बैंक अकाउंट में लेने के लिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।